हम सबको अपने आशय वचनों से अचिंतित करने का अनुरोध करें। माननीय प्राचार्य जी बैठे दो मिनट धन्यवाद अंजनी जी। सुबह 10 बजे से ही हम लोगों ने आज के इस पावन पर्व पर जितने भी कार्यक्रम किए, पीछे तुम लोग शांत रहो, दो मिनट चुप रहो, बस समाप्त है। उन सब के बारे में जितना भी तारीफ की जाए कम है। यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे विद्वान साथीगण, सामने बैठे हमारे अतिथि अखिलेश जी, यहाँ उपस्थित प्राध्यापक बंधुओं, प्राध्यापिका बहनों, प्रिय छात्र और छात्राओं, बहुत कुछ कहा जा चुका है। भाषण भी, कविता भी, गीत गजल भी, मुझे लगता है कि अब कुछ और ऐड करने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ गंभीरता अवश्य बरतने की आवश्यकता है। आज आप आजाद हुए, सच्चाई यह है कि 15 अगस्त को आप आजाद हुए केवल किसी के बंधन से मुक्त हुए। बस आजाद होने की प्रक्रिया तो सही पूछिए तो उस दिन प्रारंभ हुई, क्योंकि आपको आजाद होना था अपनी गरीबी से, आपको आजाद होना था अपनी भुखमरी से, आपको आजाद होना था अपने भेदभाव से, आपको आजाद होना था अपनी कुरीतियों से, आपको आजाद होना था छुआछूत से, अमीरी गरीबी से, ऊंच नीच से, आपको आजाद होना था अपने खुद के अंदर के तमाम बंधनों से। एक बार ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या इसमें से कुछ भी आजाद हुआ? फिर ये चिल्ला चिल्ला कर स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई व्यवहारिक लाभ आपको है? यह दिन जितनी मुश्किल से मिला, आप हम मंच पर खड़े होकर के धुआंधार रोना शुरू कर दें, चाहे जितना दुख प्रकट कर लें, यह सच्चाई है कि हम रंच मात्र भी उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते जिस दुख को सहने के बाद यह देश आजाद हुआ। जितना दुख उठाया हमारे शहीदों ने, जितनी प्रताड़ना झेली, जितना बर्दाश्त किया, वह आपकी कल्पना से परे है। रोना गाना, भावुक हो जाना, जनता को बेवकूफ बना लेना, रो करके वोट मांग लेना, फिर आपका शोषण करने लगना, यह सब शुद्ध रूप से आजादी का दुरुपयोग है और कुछ नहीं। सचमुच अगर आपको इस बात का जरा सा भी अंदेशा है कि आप उनको याद कर रहे हैं, तो एक आदत कम से कम उनकी याद में आप छोड़ दीजिए, एक अच्छी आदत सीख लीजिए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप यही तय कर लीजिए कि आज से मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तब भी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो गई। आप पढ़ने के बजाय, हंसने के बजाय, सामाजिक सद्भाव के बजाय, बड़ों के सम्मान के बजाय, बड़ों का आशीर्वाद लेने के बजाय, छोटों को समझाने के बजाय, उन्हें पढ़ाने के बजाय, आप अकेले भी मोबाइल में व्यस्त हैं, और दुर्भाग्य तो यह है कि भीड़ में भी मोबाइल में व्यस्त हैं। तो थोड़ा सा निश्चित रूप से खुद पर विचार करिए। और एक बात बताएं आपसे, चिल्ला चिल्ला कर कहने से अगर तिरंगा लहरता तो ये बड़ा आसान काम था। तिरंगा लहरता है जब आपके अंदर लहरें हिलोर मारती हैं, जब आपसे खुद बर्दाश्त नहीं होता है तब तिरंगा लहरता है। भगत सिंह को माँ बाप ने नहीं भेज दिया कि जाइए और शहीद हो जाइए, माँ बाप ने तो जी जान से रोका कि मत जाइए, लेकिन वो अंदर लहर रहा था जिसने ये करने को मजबूर किया। उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, आह्वान की आवश्यकता नहीं है, जोश दिलाने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं से स्वयं में उत्पन्न होता है, तब देश सुरक्षित रहता है। और हम भाग्यशाली हैं इस मातृभूमि के, इस मिट्टी के, कि जिसने वह सभी गुण आपको प्रदान किए जिससे कोई भी देश सफल हो सकता है। दुनिया में आप सबसे अच्छे हो सकते हैं,
आप सचमुच विश्वगुरु हो सकते हैं, आप सचमुच विश्व के पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, क्योंकि साहस, धैर्य, परिश्रम और टैलेंट, इन चारों को अलग अलग पूरे दुनिया से कंपेयर करिए तो आप ये जान जाएंगे कि पूरे दुनिया में अगर किसी का परचम लहराता है तो आपका लहराता है, चाहे आईटी हो, डिफेंस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, चाहे जहाँ। बाहर के देशों में आपको नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि आप उनको बहुत प्रिय हैं, इसलिए मिलती है कि आपका टैलेंट, आपका परिश्रम, आपका धैर्य और 24 घंटे मेहनत करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है। बाकी लोग 8 घंटे घड़ी से 8 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो करवाना हो करा लीजिए, 5 बजे लैपटॉप बंद हो जाता है, मजाल क्या कोई ईमेल खोलकर देख ले। लेकिन हिंदुस्तान का कर्मचारी 24 घंटे काम कर सकता है, यह उसकी क्षमता है, इसलिए उसे पूरी दुनिया पूछती है, इसलिए अमेरिका कहता है कि मेरी सेना, मेरी टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान के सैनिक हमको मिल जाए तो हम पूरे विश्व पर परचम लहरा सकें। तो हमारा सैनिक हथियारों से नहीं लड़ता, हमारा सैनिक उस साहस से लड़ता है, उस धैर्य से लड़ता है। आपको दो दो रिवॉल्वर अगल बगल लटका दिए जाए तो आप वीर नहीं हो जाएंगे, जब चलाना होगा तो हाथ कांपेगा, रिवॉल्वर गिर पड़ेगा। ताकत सीने में होनी चाहिए, हिम्मत सीने में होनी चाहिए, धैर्य आप में होना चाहिए, साहस आप में होना चाहिए। कहते हैं कि सेना दुश्मनों से घिर गई, कुल 50 लोग थे, आपने ये कहानी सुनी होगी, बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, कुल 50 लोग थे, सामने हजारों की सेना थी, कार्य तो घिर गए, अब क्या करें, कहीं से अच्छा क्या हो सकता है, अब तो चाहे जिधर से वार करो। और दूसरी बात, हम 50 हैं ये उनको थोड़े पता है, ये साहस है हिंदुस्तान का कि 50-50 हज़ार पर भारी हैं। तो आप उस देश के नौजवान हैं जिन्हें साहस दिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने खुद सोच विचार के साथ सही दिशा पर चलने की ज़रूरत है। आज का ये दिन ईश्वर करे हम सबके जीवन में प्रति वर्ष बेहतर से बेहतर होकर आता चला जाए, और हम सब इसके प्रति शुक्रगुजार रहें, और जिन्होंने हमें यह दिन दिखाया उनके प्रति हम कुछ भी कर लें, कुछ भी, मेरा मतलब कुछ भी कर लें वो कम ही है, उन्होंने जो दिया उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई बराबरी नहीं हो सकती है, और आप कुछ भी कर लें उसका 1000 हिस्सा भी नहीं पूरा हो सकता है। ये ज़रूर है कि जिन्होंने आज का दिन हमको दिखाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया उन्होंने तो इसका कुछ नहीं देखा। हाँ ये ज़रूर है कि आज के इस दिन का दुरुपयोग करने के लिए हजारों हजार लोग नेता भी हो गए, शहीद भी हो गए, और अपने को यह स्थापित करने में लगे हैं कि वही सच्चे देशभक्त हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं। तो हम आप उन शहीदों के प्रति एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे जिन्होंने हमें आज इस खुले हवा में सांस लेने का अवसर दिया, और अगर ये प्राप्त है तो इसको गुणवत्तापूर्वक तरीके से, इसकी अखंडता, इसकी एकता को बरकरार रखते हुए, आपसी भाईचारे को बनाए रखते हुए, ऊंच नीच का भेद दूर करके, छुआछूत खत्म करके, सबको मानव मात्र से प्रेम करते हुए, इंसान को इंसान समझते हुए हम एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य पूरा करें, और स्वतंत्रता के सही मायने कर्तव्य बोध का एहसास करें, और हम अपनी स्वतंत्रता से पहले दूसरे की स्वतंत्रता पर फोकस करें। क्योंकि रूल्स ऑफ द रोड में आपने पढ़ा है कि जहां आपकी नाक खत्म हो जाती है वहीं से दूसरे का क्षेत्र और अधिकार शुरू हो जाता है, इसलिए जब भी कुछ करें, छोटा से छोटा काम करें, तो इस पर जरूर ध्यान दें कि इस कार्य से कहीं दूसरे की स्वतंत्रता बाधित तो नहीं हो रही है। बीच सड़क पर आप मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं और 3 लोग खड़े होकर के ऐसा बतियाते हैं जैसे लगता है कि अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, बिना इस चिंता के कि आगे आने जाने वाले लोगों को क्या परेशानी होगी। तो यह भी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करना है। तो आप छोटी छोटी बात पर भी ध्यान दें और बड़े से बड़े लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस देश को महान से महानतम बनाने में पूरी तरह सफल होंगे, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो हमारे पास नहीं है। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं 2-3 बातें और अपने आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। आज इस दिवस पर प्रातः 8 बजे से दूरसंचार विभाग की तरह अहरनिश सेवा में हमारे बीच कैप्टन SP सिंह जी उपस्थित रहे
आपने कठिन परिश्रम करके इस कार्यक्रम को इस स्वरूप तक पहुंचाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।